ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिटी नहीं रहा, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे दो पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे दो पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है, बेलपत्री के और ये दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना। बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की दो पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए, ये तो दो पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर सात दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं गई, डॉक्टर अपना काम करे, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर सात दाने चावल के लेकर आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और सात दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और सात दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल दो या तीन सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होगा। दो या तीन सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, दो तीन सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में गुरुजी ने जो देव महादेव शिव महापुराण जो अभी चल रही है उसमें ये उपाय बताया है कैसे करना है, आपको बेलपत्री के मध्य मतलब बीच का जो भाग है उससे ये उपाय करना है, कैसे करना है, जैसे कि आज की वीडियो में गुरुजी से हमने जाना, तो आप इसे अवश्य करिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।